तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाईटी। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो को पोस्ट किया है, एंड आप नीचे में साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है एशियाज नंबर वन यूट्यूबर गेमर एंड रैपर। तो इसी फोटो के नीचे में बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कैरी मिनाटी को नंबर वन यूट्यूबर एंड गेमर बोला जा सकता है, लेकिन रैपर नहीं बोला जा सकता। और इन्हीं कमेंट्स में एक बंदा ये कमेंट करता है कि भाई तू अच्छा एंटरटेनर है, पर भगवान के लिए प्लीज खुद को एशिया का नंबर वन रैपर मत बोल। नो हेट, आई एम ऑल्सो योर फैन, बट प्लीज जो रैपर्स दिन रात मेहनत करके अच्छी लिरिक्स और कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए ये अपमान ही है। तुमने क्या चार रैप सॉन्ग्स बना लिए, अपने आप को नंबर वन रैपर कह रहे हो? प्लीज भाई, असली रैपर्स को गाली मत दो इस तरह से। एंड ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग का इस पर क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यहीं पे कैरी मिनाटी का एंटरप्रेन्योर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो आया है, तो चलिए उस वीडियो में से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्लिप्स दिखा देता हूँ। स्टार्ट हुआ, थोड़ी अटेंशन मिली, स्टार्ट हुई तो शुरुआत में ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी शाय हूँ, तो उस टाइम भी काफ़ी ऐसे मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था जब कोई कहता था ऐसे, अरे कैरी भाई, तो मैं बस ऐसे हो जाता, हाँ भाई क्या हाल है। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में अजीब था, बट देन आई गॉट यूज टू इट। और उसके बाद आई गेस धीरे 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 करते करते जैसे जैसे चैनल ग्रो हो रहा है, और वैसे आई थिंक अट्रैक्शन भी ग्रो होती है, अटेंशन भी ग्रो होती है, तो अभी आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है। एंड कल जब कैरी मिनाटी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब किसी ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, What you're saying on those people who will still unnecessarily dislike and hate Mr. Fizu and Amir's video just because of the whole YouTube versus बैन हो चुका गरीब भाई, फिर तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, लोगों का कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। तभी तो बहुत चीजें बैन है इंडिया में जस्ट बिकॉज लोगों का कंट्रोल नहीं है। आई थिंक सबको आगे बढ़ जाना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, आगे कोई बढ़ने को तैयार नहीं है तो। एंड मिस्टर फैसू ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कैरी मिनाटी एंड बीबी की वाइंस के बारे में कुछ ये कहा है। कंटेंट बनाती हो कैरी मिनाटी से, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या पूछेंगे? बहुत मस्त रोस्ट करते हो। रोस्टिंग में मतलब एक के बाद एक पंच है, तो यही के मतलब अगर आप कोई कंटेंट पे बैठ जाते हो तो इतनी खूबसूरती से और इतने अच्छे तरीके से उसका पूरा एक मतलब स्क्रिप्ट बना के इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो? भुवन बाम से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, भुवन बाम से कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने जो अलग अलग चार जन का लाए हो, मतलब चार कैरेक्टर होते हैं जो उनके, ये मतलब ये कैसे होता है? तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्ले पॉइंट की नई वीडियो के बारे में। तो गाइस स्ले पॉइंट की जो नई वीडियो आई है उस पर शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि स्ले पॉइंट ने अपनी वाली वीडियो में जिस भी चैनल वाले का क्लिप्स यूज करके उनको रोस्ट किया है, उनको ये वाली वीडियो पसंद नहीं आई। एंड उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे कुछ ये कहा, हमारी बिना परमिशन के कौन होता है वो हमारा वीडियो जानने वाला, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो। ओके, हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। गाइस अगर मेरा ओपिनियन मानो तो स्ले पॉइंट को इस वाली वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ सकती, बिकॉज उन्होंने जो पार्ट्स यूज किए हैं वो 3 सेकंड से कम का है। एंड यूट्यूब की पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी वीडियो का 3 सेकंड से कम का पार्ट यूज कर सकते हो, ये अंडर फेयर यूज में आता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है जी गुरुजी चैनल के बारे में। तो गाइस जी गुरुजी अपने इस चैनल पर पबजी मोबाइल की वीडियोस अपलोड करते थे, बट पता नहीं किसी रीजन की वजह से इन्होंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया। एंड ये 2 महीने से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं थे। एंड गाइस 2 महीने बाद इन्होंने अपना एक थर्ड चैनल बनाया फार ऑफ करके, जहां पे इन्होंने फेस रिवील किया एंड बताया कि मैं 2 महीने से कहां था। तो बेसिकली इस वीडियो में ये था कि किसी बच्चे ने उन पर एलिगेशन लगाया था कि जो जी गुरुजी चैनल है वो उनका है, एंड जो जी गुरुजी चैनल के मेन ओनर है उन्होंने उसका चैनल हैक कर लिया है। एंड ये एलिगेशन उस बच्चे ने ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने लगाया था। तो आप उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और असल में वो बहुत दिन से बीमार चल रहा था, करीब 1 महीना से बीमार चल रहा था, खांसी आ रही थी। तो उसका कॉल आया है कि वो एक हॉस्पिटल आया हुआ है और मैं उससे आके मिल लूँ। अब कमाल की बात ये कि हॉस्पिटल मेरे घर के बहुत करीब था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं उससे मिल लेते हैं। खड़ा था तो मैं गया, पहले हमने जूस पिया, देन उसके बाद मैं उससे कह रहा था कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल, बट वो नहीं जा रहा था। फिर एकदम से 2 लोग आते हैं, पीछे से मुझे पकड़ते हैं और ले जाके सीधे जो पुलिस चौकी होती है हर चौराहे पे, वैसी एक चौकी थी जहाँ मेरे को ले जाके बैठा दिया। मेरे दोनों फोन्स मेरे से ले लिए, मेरे रूम के की ले ली और मेरे से बोला तू हैकर है ना, तूने चैनल हैक करे। मैंने कहा अरे किसके चैनल मैंने हैक कर लिए, मैं तो खुद यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने कहा तूने जी गुरु जी और ग्लिच चैनल को हैक कर लिया है, वो एक बच्चे का है और तू हैक करके उसको यूज़ कर रहा है। उस बच्चे के बिहाव से उसकी मदर ने कंप्लेन करी थी कि जी गुरु जी चैनल ग्लिच और इंस्टा
उस बच्चे का है और मैंने उसको हैक कर लिया है और मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, और उनसे जो यूट्यूब वॉलेट के थ्रू बेनिफिट्स आते हैं, मतलब जो पैसे आते हैं, वो मैं अपने अकाउंट में ले रहा हूँ। तो जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी ये प्रोसेस जो है ये कोर्ट में है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि अमित भड़ाना वर्सेस नियोन मैन के बारे में। तो गाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि अमित भड़ाना नियोन मैन को अपनी स्टोरी में इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए ये बोल रहे हैं कि ये एक फर्जी रिपोर्टर है, एंड उसके बाद नियोन मैन ने अमित भड़ाना को कुछ ये रिप्लाई किया। एंड यहाँ पे मेनली उन्होंने मेरे एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के बारे में बात किया। एक पॉइंट था इस वीडियो में कि मैंने उस स्पॉन्सर्ड वीडियो में इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या हैशटैग ऐड नहीं डाला था। तो इसका यही रीजन है कि मैं स्टार्टिंग से जब इंडियन यूट्यूबर्स को देखता था तो मैक्सिमम यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग अमित भड़ाना कोई भी इंक्लूड्स पेड प्रमोशन या हैशटैग ऐड करके नहीं डालते थे अपने स्पॉन्सर्ड वीडियो में। तो मैंने भी स्टार्टिंग से कभी डाला नहीं, बट इफ दैट्स एन इशू मैं जरूर ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप देख ही लेना। देन कुछ गलतियां मेरे से हुई थी वो मैं मानता हूँ, एंड मान लेने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, बिकॉज यार नो वन इज परफेक्ट एंड इसी से मैं इम्प्रूव करूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फौजी गेम के बारे में। तो गाइस आज ही के दिन फौजी गेम रिलीज होने वाला था, एंड रिलीज होने के बाद मॉर्टल अपने ट्विटर पे ये ट्वीट करते हैं, ग्राफिक अच्छा है बट मैकेनिज्म को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा एज वी आर यूज टू डिफरेंट गेम मैकेनिज्म। अगर आपने भी फौजी गेम खेला है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाइफ मोटो वर्ल्ड के बारे में। तो लाइफ मोटो वर्ल्ड के चैनल पे ये वाली जो वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, एंड इस वीडियो में उनको सिर्फ उनके बाइक के साउंड की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, मतलब कि किसी एक लॉयर ने उनको अरेस्ट करवाया था, बट लाइफ मोटो वर्ल्ड ने इस चीज का एक प्रॉपर वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, एंड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई, एंड उसके बाद उस लॉयर को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। तो इसी चीज पर लाइफ मोटो वर्ल्ड कुछ ये कहते हैं कि मेरे एरिया के जितने भी लोग हैं वो मेरे पापा को थ्रेट दे रहे हैं कि इस वीडियो को डिलीट करवाओ, वरना वो क्या करेंगे आप खुद समझ लेना। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपके पास भी कोई अच्छी न्यूज है तो आप मुझे उसे न्यूज सबमिशन में भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।